Uh... Mm -hmm. वेलकम बैक जी ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और जैसा कि मैंने आगाज़ में बताया था कि आज मौजूद गुफ्तु जिस मौजू को हम बनाए रखेंगे जिस पर हम गुफ्तगु करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे वो है अदाब मजलिस इससे पहले कि मैं मौजू की जानब चलूँ एक बड़ी कदावर शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं चंद लाइनें पहले मुझे बतानी हैं उसके बगैर मुझे लगेगा कि तारुफ़ अधूरा रह जाएगा फिर मैं बाकायदा तारुफ़ भी करवाऊंगा हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जुनेद गज़नवी साहब दीन हैं माहिर तालीम हैं मीडिया पर्सन हैं अज़ीम ग़नबी ख़ान वादे के चश्मो चश्मचराग हैं और इनको वेलकम करने के बाद मैंने कुछ मजीद भी आपको बताने सर वेरी वाम वेलकम प्लेयर हैविंग यू है शुक्रिया जी फॉर मी प्लेयर प्लेयर सर आ, सबसे पहले तो शुक्रिया आपने वक्त निकाला लेकिन मुझे आपके बारे में चंद चीज़ें शेयर करनी है फिर उसके बाद डेफिनेटली हम आपकी कीमती राय लेंगे सैयद जुनेैद ग़नबी साहब दीन का इनका जो ताल्लुक है बड़े ज़गर के मरूफ़ इलमी और दीनी घराने से है. इनके वालिद सैयद अबू बकर रहमतुल्लाह रहमत वाइस चांसलर बहावलपुर यूनिवर्सिटी थे ना सिर्फ एक माहिर तालीम थे बल्कि एक बुलंद पाया दीनी और इल्मी शख्सियत होने के साथ साथ एक साहिब तर्ज मुबल भी थे सैयद जुनेद गजनवी के दादा हजरत सैयद दाऊद गजनवी रहमत बर सगीर के एक कदावर दीनी और सियासी शख्सियत थे इससे आगे हजरत अब्दुलजब्बार गजनवी साहब इनके परदादा थे और उसके ऊपर हजरत अब्दुल्ला गजनवी साहब का इसमें गिरामी है इन सब अब पर अल्लाह का बड़ा कर्म यह था कि इन सब को खमत खल के लिए मुंतब किया गया था खल की इल्मी, दीनी और रूहानी जो असल खदमत है जबकि सैद जुनेद गजनवी साहब ने एम ए सियासियात की डिग्री गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से और एम ए तारीख की डिग्री पंजाब यूनिवर्सिटी से हासिल कर रखी है दरसे नज़ामी का कोर्स और दार्लूम जो इस्लाम से इन्होंने पढ़ा है और ब्रिक्स स्कूल प्री स्कूल से ए लेवल तक जो डी में मौजूद है इसके लाहौर के डायरेक्टर हैं सर कहना तो मैं और भी बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन चूंकि वक्त की कैद है तो मैं ज्यादा से ज्यादा बा, बात को आगे चलाती हूँ जजाकल्ला जजाकल अच्छा सर बात मुझे जो आपसे सीखनी है वो अदाब के हवाले से है एक मचलिस वो है जिसमें आप और मैं हम कलाम है एक मचलिस है जो सुबह वतन के हमारे व्यूअर्स स्क्रीन के उस पार सजा के बैठे हैं कि हम कुछ सीख सकें Yeah. मजलिस के आदाब जो माशरती तौर पर समझते हैं और जो दीन हमें सिखाता है पहले तो ये डिफाइन कीजिएगा फिर आगे बढ़ते हैं जो मामला आदाब का है जी। जिसे हम तहजीब भी कहते हैं मैनरिज्म कहते हैं तो वैसे तो ये हम आम गुफ्तू में भी इस्तेमाल करते हैं कि ये एक बहुत बड़ी सिफत है जी। वो एक बड़ा महजब आदमी है जी। जिसके बारे में कहा जाए तो ये समझा जाता है कि उसकी तारीफ़ की जा रही है और कोई काबिल कदर सिफ़ात उसके अंदर हैं तो उसके लिए फिर इस तरह जब कलेक्टिवली बात की जाए तो अवाम के मुतल कहा जाता है कि एक महजब कौम है मतमद्न तो कौम है यानी उसमें कुछ ख़ूबियाँ हैं जिसने उसका कद बढ़ा दिया है और वो ख़ूबियाँ क्या हैं यही तहजीब आदाब और मैनरज़म उसका exactly. जिसकी वजह से वो अब पहचानी जा रही है या उसकी तारीफ़ की जा रही है तो क्योंकि हमारा प्रोग्राम दीनी हवाले से जी और जाविया नगाह दीन है हम इसी हवाले से मामला को देखेंगे उसी इसी हवाले से बात करेंगे उस पर तो इस्लाम में आदाब मजलिस के आदाब और बिलआमूम ज़िंदगी के आदाबी ये बड़ी अहम चीज़ है और बात इसको समझने में गलती होती है और गलतफहमी वो ये होती है कि लोग ये समझते हैं कि हमारे दीन का मामला शायद नमाज है और रोज़ा है और जो, जो जितनी ज़्यादा तस्बी फेर लेगा जितने ज़्यादा नवाफिल पढ़ लेगा वो उतना ही बड़ा दीनदार होगा लेकिन ये ग़लत तस्वुर है दीन के बारे में दीन में हुक इबाद हैं इन आदाब का ताल्लुक हुकूकुल इबाद के साथ है जो लोग हुकूक इबाद का ख्याल रखते हैं उनमें भी कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इस बात से आगाही हो कि आदाब हुकूकुल इबाद में आदाब एक बड़ी अहम चीज़ है कि ये जो इबादात का मामला है सिर्फ आदमी अगर यहीं तक रह जाए तो दीन अधूरा है आदाब साथ होंगे तहजीब साथ होगी तो ये दीन मुकम्मल होगा यानी कंपल्शन है ये साथ ये दीन अधूरा रह जाएगा अधूरा रह जाएगा और वो, वो अबुल कलाम आजाद का मेरे जुमला जैन में आ गया कि अधूरी सच्चाइयाँ हमेशा खतरनाक होती हैं Exactly अधूरी सच्चाइयाँ हमेशा खतरनाक होती हैं सच्चाई पूरी होनी चाहिए मुकम्मल होनी चाहिए दीन मुकम्मल होना चाहिए अच्छा सर जो शरीया दाद है हम इनमें अभी गुफ्तगू कर रहे हैं जो मजलिस में शिरकत के शरिय आदाब है जैसा अभी आप आए मैंने वार्मली वेलकम किया जी। वैसे तो आ, आपकी सीट होती इधर आप हमारे सीनियर हैं हम आपको देख के सीखते हैं तो मुझे शुरू से बड़ा डर लग रहा था कि इतनी कदावर शख्सियत है तो हमेशा से इधर बैठते मैं उनसे जसारत कैसे कर सकता हूं लेकिन इस मजलिस को सजाने के लिए इन आदाब को सीखने के लिए मैं चाहूंगा कि जो शरयी आदाब है जो मजलिस में शिरकत के आदाब है वो हमें क्या सीखने चाहिए दीन क्या रहनुमाई करते हैं जैसे आपने अपने इंट्रो में कुछ बातें की कि मजलिस की मुख्तलिफ नौीय हैं जी दोस्तों की मजलिस है इल्मी मजलिस है वाज की मजलिस है बैठ के खाना खा रहे हैं वो भी एक मजलिस है मजलिस है जी तो आप के साथ अपने बैठे हुए हैं अपने है। मशाइ के साथ बैठे हुए हैं वो भी एक मजलिस है जी तो इस तरह इनकी मुख्तलिफ़ नौतें हैं ठीक है और इनके मुख्तलिफ आदाब हैं जी जाहिर है कि कुछ चीज़ें ख़ास हैं जो कुछ खास मजलिसों से जुड़ी हुई हैं कुछ चीज़ें आम हैं कुछ आम बातों का हम जिक्र कर लेते हैं ताकि वो बिलुमूम सब के फ़ायदे के लिए हाँ जाहिर है कि मजलिस तो शुरू ही अलिकुम से होती है यानी हमें यह कहा गया कि अगर सलाम किया जाए तो उसका जवाब उससे ज्यादा गर्मजोशी के साथ दो जी। और या कम से कम वैसा तो जरूर लौटा दो जी और खुद हुजूर हजूर सलाम का वो इर्शादे गरामी है कि सलाम बई सलाम को रवाज दो सलाम किया करो दूसरे के तो अब ये असलाकुम हैं तो ये दो लफ्ज़ जी लेकिन एक जहान माना है जो इनमें छुपा हुआ है पिना हाँ है इसमें सब कुछ हम बस आराम से कह देते हैं असलम और बात उसकी मानवीय पर गौर नहीं करते कि यह है क्या चीज़ असलकुम ये इमाम रागब की यह किताब है मुफरदात जी उसमें अगर असलाम के सामने लिखा क्या हुआ है उसका मना वो देखें तो फिर ये असलाम की मानवियत समझ में आती है क्या है वो आगे लिखते हैं अ मिन अफात ज़ाहरा वल बातना जी ये सलाम है ज़ाहरी और बातनी आफात से महफूज रहने का नाम ये सलाम है ये सलाम है तो अब मना क्या हुआ जब मैंने ये कहा कि अल्लाम हो साहब जी तो इसका मना ये हुआ कि मैं आपको ये दुआ दे रहा हूँ कि ये साहब जो हैं ये जिस्मानी रूहानी तौर पर आफियत में रहें माशा अब आपने देखा इसकी जामियत क्या है मुकम्मल कर दिया इसको बिल्कुल अब आप दुनिया के किसी भी कौम और किसी भी मज़हब के ग्रीटिंग के अल्फाज को उठा के देख लीजिए और उसका मुकाबला कीजिए हमारे अस्सलाम अस्सलाम से। क्या तो। गुड मॉर्निंग क्या गुड इवनिंग हेलो हेलो हाय क्या इसके मुकाबले की चीज़ हो सकती है नहीं हो सकती यकीन नहीं हो सकती अपनी चीज़ों पे एतवाद करना चाहिए ठीक है ये थीक बहुत बुलंद चीजें हैं तो कहते हुए आप एक बहुत बड़ी दुआ दे रहे होते हैं दूसरे को कि मैं तेरी सलामती का खा हूँ जैसे ही आप सलाम करते हैं वो एकदम बिल्कुल रिलैक्स कर जाता है मानवी तौर पर यार ये या आदमी तो मेरा खैर खा है ये तो हर एतबार से चाहता है मैं महफूज रहूं। ग्रीटिंग्स आ गई शुरू में हाँ ग्रीटिंग्स आ गई और सलामती की मेरे लिए दुआ आ गई दुआ आ गई तो फिर ये इस तरह मामला आगे चलता है जैसे आपने कहा मजलिस में बिलुमूम बात हुई कि क्या होना चाहिए मुस्कुराते हुए मिलना जी जी जैसे आपने मुस्कुराते हुए मेरा इस्तेबाल किया जी तबसमों का फी वजह या खी का सदका ये माशालाम का इरशाद है। ये मजलिस के आदाब हो रहे हैं अब जी जी कि अब बात ही शुरू मुस्कुराहट से हो रही है तर्जमा ये है कि अपने भाई को देख कर मुस्कराना सदका ये नेकी का काम है यानी ये बेमाना चीज नहीं है तुम अगर इस नीयत से मुस्कुराओगे कि मेरे आका सल्लाह वसलम ने यह इर्शाद फरमा दिया कि तुम मुस्कुराओगे तो सदका तो नेकी होगी सवाब मिलेगा साहबी कहते हैं अब्दुल्ला बिन हारिस रजील्लांजी शरीफ जी माँ राय तो अक्सर तबसमन मिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैंने अलैहि हजूर अकदसलासलाम से ज्यादा मुस्कुराता हुआ चेहरा आज तक नहीं देखा सुनत है ये भी सुन्नत सुन्नत है मुश्कुराना मुश्कुराना है मुस्कुराना मुस्कुराना और फिर देखिए इसको किस तरह जोड़ दिया है दीन के साथ निकी के साथ इसके अंदर एक मानवीय और एक इखलास पैदा कर दिया है एक मुस्कुराती है सारी दुनिया जी हर जगह मुस्कुराते हुए लोग मिलते हैं वो हम उनकी बड़ी तारीफ करते हैं दुनिया के किसी गोशे पे चाहे मुस्कुरा रिसेप्शन डेस्क हो कहीं का वह कोई आपको मिल रहा हो कोई हवाई जहाजों में हो कहीं होस्ट कर रहे हो तो मुस्कुराते हैं अब ये मुस्कुराना जो है ये निकी है या अल्लाह ये मैं मुस्कुराऊंगा मुझे सवाब मिलेगा नीयत इसके पीछे ये। इसके पीछे नीयत अच्छा, ये नीयत आपने जो लफ्ज़ बोल दिया है ये इस्लाम की सारी इमारत इस पर खड़ी है नीयत पे तो अगर बड़े बड़े अच्छे काम हैं नमाज पढ़ना है अल्लाजीना यूरा अच्छी नीयत से ना हो तो वह बेकार चीज़ है उस पर पकड़ है तो इसी तरह ये जो काम है ये सलाम है अगर ये एक नीयत से हो तो देखिए इस पे सवाब मिल रहा है यानी सवाब का मतलब है अल्लाह ताला का قرب मिल रहा है मिल रहा है ठीक है आप मुस्कुरा रहे हैं इस पे अल्लाह ताला का قرب मिल रहा है तो मुझे याद आ गया कि जो खुली-खुली थी अदावतें मुझे रास थीं जो खुली-खुली थी अदावतें मुझे, मुझे रास, रास थीं थी। ये जो जहर खंड सलाम थे मुझे खा गए प्रोफेसर खुर्शीद रजी साहब याद आ गए मुझे कि ये ये जो दिल से नहीं होते जी 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 जो ऐसे ही आगे पीछे लोग ये जो जहर खंद साथ मुस्कुराता है ये मुझे खा गए दिल में कुछ और होता है यस ये, ये जो जहर खन्द सलाम थे मुझे खा गए तो इसके पीछे नीयत ये हो ओके ठीक है कि ये मेरा दीनी भाई है मैंने इसको सलाम किया है मैंने इसको मुस्कुरा के देखा है और सर जैसे आप फरमा रहे हैं कि आपने मुझे सलाम किया मुझ पर सलामती दी तो मजलिस के आदाब में ये भी शामिल है कि मैं आपको जवाब भी वैसे ही दू मैं भी आपको उसी तरह से ग्रीट करूं मैं भी वही दुआएं दूँ मैंने जो अभी आयत पेश की ना आपके में उससे ज्यादा गर्म जोशी के साथ जवाब लेकिन कम से कम वैसा तो जरूर कह दीजिए कम से कम एटलीस्ट उतना तो अच्छा सर मजालिस हमारे यहाँ पे सोशली जब हम बात करते हैं हम टेक्नोलॉजी की दौड़ में बहुत आगे जा रहे हैं हम दीन को उस स्टडी नहीं करते मैं भी उन चंद लोगों में से था लेकिन अल्लाह ने जब करम किया तो मैं लौटा उस तरफ जो हमारा असल है और अल्लाह मुझे कायम रखे रास्त रखे इस आ, रास्ते की तरफ हमारी बहुत सी मजालस ऐसी भी है फॉर नो रीज़न वी जस्ट सेट अराउंड गॉसिप हो रही है मैं गज़नवी साहब के बारे में बात कर रहा हूँ ये भी एक मजलिस हो रही है कि ठीक है वो प्रोग्राम करते हैं मेरी मुलाकात हुई आप उठ के गए और मैंने आपकी उसी मजलिस में बुराई शुरू कर दी कुछ मजालस हमारी ऐसी दैट जस्ट लाइक अ पार्टी टाइम वो अदर टाइम वो ऐसा है कि जिसका आपको प्रोडक्टिव कुछ नहीं मिल रहा ऐसी मजालस और इनके आदाब और इनका हासिल क्या है हमारे पास देखिए जी एक तो बुनियादी हमें और अबूबी हुक्म ये दिया गया है कि जी ये जो बेमाना चीज़ें हैं ये जो बेमकसद चीज़ें हैं इन से आदमी को किनारा करना चाहिए इनसे दूर रहना चाहिए और जो आपने बीच में बातें कही हैं कुछ वो तो वैसे ही किसी मजलिस का मामला हो ना हो वो तो वैसे ही इतनी खतरनाक बीमारियां हैं जैसे आपने तो कहा कि उठ के गया तो उसकी बुराई शुरू कर दी नहीं ये तो गीबत है जी इसके बारे में तो बड़ी सख्त बातें कही गई हैं कुरान मजीद में भी और सलात ने भी कि एक आदमी आपके साथ बैठा है आप उसके साथ बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं उसको अपनी वफ़ादारी और खैर खाही का यकीन दिला रहे हैं वो उठ के गया तो आपने पीछे से ये बातें शुरू कर दी आपने तो बहुत बुरी बात की ठीक तो आप आ, कि ये जो सिफ्त है ये वाला करने वाली देखिए ये जो गीबत है ना ये तो दुश्मनी को जन्म देती है जी कल ये बात उस आदमी तक पहुंचेगी जब वो सुनेगा तो वो आपके मुतक़ क्या सोचेगा और आपके और उसके ताल्लुक में कैसी खराबी पैदा होगी जी। तो ये तो एक बड़ी बुनियादी बीमारी है जिसका आपने जिक्र किया है जी। और दूसरा जो आपने कहा कि गॉसिप हो रही है देखिए अब इस गॉसिप में भी ना एक इसको हम इस तरह भी एक समझते हैं कि अगर हम बैठे हैं कुछ दोस्त बैठे हैं और कुछ अजीज़ व बैठे हैं और मुख्तलफ बातें हो रही हैं मौजूद पर बात हो रही है सियासत पे दीन पे माशरती मामल पर और यहाँ तक कि कोई लाइट गुफ्तु को भी हो रही है जी। तो अगर ये आप इस तरह की मजलिस इसलिए करते हैं कि आप इस तरह की मजलिस में बैठेंगे तो वो जो आपकी ज़िंदगी की यकसानीत है जो एक बोडम्सा है ज़िंदगी का वो यकसानियत टूट जाएगी और आप फिर तरोताजा होकर अपनी ज़िंदगी के काम वो अहम जिम्मेदारियाँ जो आप पर परायद की गई हैं दीन की तरफ से अल्लाह ताला की तरफ से हुजूर हजूर अखदसम की तरफ से तो एक नई मुस्तैदी के साथ वो काम अंजाम देंगे इस नीयत के साथ बैठ कर बातचीत करना चाहे वो माशरती मामलात पर हो सियासी मामलों पर हो और कारोबारी मामलों पर हो वो उस लफ् में नहीं आती है वो तामीरी मजलिस होगी वो तामीरी होगी आप आप अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए कर रहे हैं। कर रहे हैं आप निकाल हैं सब कुछ इस नीयत से जो रिक्रिएशन की जाती जी जी है जी जी। वो एक दीन का हमारे उसूल है कि ये जो इबादत है जी और ये जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनको अदा करने के लिए जो तमहीद बांधी जाती है जो तैयारी की जाती है वो भी दीन ही का हिस्सा होती है वो भी इबादत ही समझी जाती है जो तैयारी आप कर रहे हैं तो अगर आप रिक्रिएशन या गुफ्तु या बातचीत इस नीयत से कर रहे हैं कि मैं काम करते हुए थक गया हूँ अब मैं अपने दोस्तों के साथ बेतकल्लुफ़ दोस्तों के साथ मैं अपने अजीज़ व के साथ मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठूँगा कुछ देर बात करूँगा तो थोड़ा सा तरोताज़ा हो जाऊँगा ठीक है और फिर अपने कामों में चला जाऊँगा तो फिर ये उस लफ् में नहीं है ओके ठीक है फिर एक अच्छी चीज़ है ठीक है फिर रिक्रिएशन भी इबादत बन जाती है अच्छा अभी जो आपने नीयत का लफ्ज बोला जी था जी ना अब उसे यहाँ पे अप्लाई करके देख लीजिए दीन का काम अगर गलत नीयत से हो वो दुनिया बन जाता है वो खराब खराब हो जाता है खराबी की तरफ जाएगा और ये दुनिया के काम जो हैं ये अच्छी नीयत से हों दीनी नीयत से हों तो ये सब बाय से सवाब हो जाते हैं ये इबादत बन जाते हैं ये वो नीयत चीज है नीयत चीज़ है और सबसे बेस जो करती है किसी भी काम की अहम चीज वो नीयत है जी अच्छा सर हम मज, मजलिस में राजदारी का जब जिक्र करते हैं जी तो कुछ मजालस ऐसी भी हैं कि उनकी अपनी राजदारी भी होनी चाहिए इस्लाम इस हवाले से हमारी क्या रहनुमाई करता है कि मैंने आपकी गुफ्तू ली उस मजलिस में आपका जिक्र हुआ मैंने समझा कि ये अब एक राज है मुझे इसको आगे नहीं फैलाना चाहिए तो इस बारे में दीन क्या रहनुमाई करता है ये अल्फाज आते हैं अलमजालस बिलाना जी तो इसकी सेहत रिवायत की कुछ भी हो लेकिन बहरहाल इसकी ये इनका माना यह है कि ये मजलिसें जो हैं ये अमानत होती हैं जी माना यह है कि इसमें जो गुफ्तु है वो अमानत होती है ठीक है हर वो मजलिस हर वो गुफ्तु जो ये तकाजा करती हो कि उसको ऐसे ही बाहर इफ़्शा न किया जाए जो ये तकाजा करती हो वो आपको खुद समझ होनी चाहिए कि क्या है तो अगर किसी जगह बैठे हुए कुछ लोग कोई पॉलिसी मेकिंग हो रही है कुछ आ, आपके ऑफिस के स्टाफ के बारे में बात हो रही है और उनके तमाम पहलुओं को देखा जा रहा है तो ये अलमजालस अमाना ये अमानत है इसको बाहर जाके अगर आप करेंगे तो बदगुमानी फैलेगी ठीक है आ, मुझे हाजिर होंगे हमारे साथ रहेंगे मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद वेलकम बैक जी ब्रेक के बाद आपके साथ हैं बड़ी खूबसूरत गुफ्तू हो रही है और गजनबी साहब से हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं मेरा तो दिल करे मैं बोलूँ ही ना बस सीखता जाऊँ ये बोलते जाए और हम सीखते जाएँ जब ऐसी शख्सियात साथ होती हैं तो फिर बोलने की नहीं सुनने की ज़रूरत होती है यहाँ पर हम गुफ्तू को आगे बढ़ाते हुए बताएँ कि अल्लाह ताली ने कुरान मजीद में अरसात फरमाया है कि ए ईमान वालों जब तुम से कहा जाए मजालस में जगह दे दो तो तुम लोग जगह दे दो अल्लाह ताला तुमको जगह देगा और जब तुमसे कहा जाए कि उठ खड़े हो तो उठ खड़े हुआ करो अल्लाह ताला तुम में से ईमान वालों और इल्म वालों के दर्जात को बुलंद फरमा देगा नबी मुकरम वसल्लम का शाद ग्ररामी है कि कोई शख्स ऐसा ना करे कि मजलिस से किसी को उठाकर खुद उसकी जगह पर बैठ जाए बल्कि आने वालों के लिए हट जाए और जगह कुशादा कर दे मजालस में हर मर्द औरत और 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 को इन चंद आदाब का लिहाज रखना चाहिए यह तो हमारी माशरत हमारी सोसाइटी और जब हम दीन इस्लाम का जिक्र करते हैं जहां से हम सब कुछ सीख के अमल करने की कोशिश करते हैं मजालस के बारे में हमें यह सिखाया जाता है सर ओवर टू यू अगेन हम गुफ्तु का सिलसिला वैसे ही जोड़ते हैं मजालस ये भी हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं और मजालिस वो भी हैं जैसे खाने का आपने जिक्र किया था खाने की मजालस के आदाब क्या होने चाहिए जिसरा आई एम इन द पार्टी और फिर वहाँ पे अब तो ये देखते हैं कि हम बैठे हैं टेबल पे और आपको सर्व हो रहा है हमारी शादियों पे जो ट्रेडिशनल शादियाँ हैं थोड़ा सा साल पीछे जाएं तो हम देखते हैं खड़े होके खाना खाया जा रहा है और वो खाना बेतहाशा ज़ाया किया जा रहा है इवन के अभी भी तो सर इस इस मजलिस के क्या आदाब होने चाहिए खाने की मजलिस के आदाब जी इसमें जो इरशादात गरामी हैं हजूर अकदसलाम के उससे फिर ये अखज़ कर लिए जाते हैं बाकी आदाब जिनकी तरफ आपने इशारा किया जैसे एक बात आप सलात ने फरमाई कि भई किसी को ये नहीं चाहिए कि दस्तर ख़ान पे से दो छुआरे उठा ले दो खजूरें उठा ले अच्छा जब तक अपने साथी से पूछ ना ले अच्छा माना यह है कि जब बहुत से लोग बैठे हुए हूँ और खाना आए तो ये बात रवा नहीं है कि आप बहुत सा खाना या एक बोल आया खाने का रखा है जिसमें बहुत से लोग शरीक हैं कोई उठाए और उसको अपनी प्लेट में उ ले सारे के सारे को ये आपके मिजाज पे हिरस के गालिब होने की अलामत है हमने देखा है ये कि दावतों में खानों में कुछ लोग अचानक खाना आए तो तेज़ी से लपकते हैं उसकी तरफ और फिर वो बहुत सा खाना उठाकर अपने प्लेट में डाल लेते हैं कहने की इजाजत दीजिए कि तहजीब ही भूल जाते हैं जी और आपके साथी जो हैं वो बैठे हुए देख रहे हैं कभी ये तो सारा खाना इसने डाल लिया तो ये एक गैर मुस्त चीज़ है और इस्लाम इसे अच्छा नहीं समझता है लोगों को इससे परहेज करना चाहिए इस्लाम इसको अच्छी नज़र से नहीं देखता है ठीक है तो इस तरह खाने में के खाना आए तो ये और फिर हजूर अद्दर सलाम ने कुल ममा यलीक जी अपने सामने से जो सामने आपके खाना पड़ा है उसको खाना चाहिए ना कि आप दूर से खाने को जाएं उठाएं बार बार लाएं और लेकिन जो चीज़ सामने पड़ी है उससे आप शुरू कीजिए जी खाना खाना तो ये हजूर सलाम ने खाने के बारे में ठीक है अब मैं प्लीज़ करूँ तो जैसे ये ज़्यादा खाना खा लेना यानी बस्यार खोरी इस तरह एक दूसरी बात भी है जो मेरे जहन में आ गई कुछ लोगों को हमने देखा है कि वो अपने तकवे के इजहार के लिए और वो इस तरह के सूफी बनते हुए एक लुकमा खाते हैं और अलग होके बैठ जाते हैं कि बस जी, जी मैंने तो खा लिया अच्छा जैसे वो ज्यादा खाना वो काबिल ऐतराज़ है इस तरह ये चीज़ कि आप एक लुकमा खाएं और कोने में बैठ जाएं कि जी अब मुझे और तो खाना नहीं है जी अच्छा सर देर वॉज अ टाइम अब वो चीज़ें बड़ी इंस्टेंटली uh, हमने बदलते देखी हैं आपने हमसे बेहतर देखी हैं चीज़ें छोटे बड़ों की बड़ी इज्जत किया करते हैं जी हम देखते थे कि हमारा कोई बड़ा आ रहा है कि चाहे वो नेबर भी आपका रिलेटिव नहीं है और आप फनो रिजन no खड़े हैं कहीं पे तो आप फौरी तौर पे इधर होते थे कि बड़े आ रहे हैं बुजुर्ग आ रहे हैं ये आदाब थे अब मजालिस के आदाब छोटे और बड़ों के आप तशरीफ़ लाए हैं और आप मुझसे बड़े हैं लेकिन मैं बैठूँ जी इसलिक कैसे आप ये मजलिस का कौन सा अदब है छोटों और बड़ों के मजालिस के जो आदाब है मैं ये जानना चाहूँगा प्लीज़ मन लम यार हम सगीरा ना जी वलम युकर कबीरा ना फल स जी जो छोटों पर रहम नहीं करता है छोटों पर शफकत नहीं करता है जो अपने बड़ों की तज़ीम नहीं, नहीं करता है वो हम में से नहीं है यानी हुजूर हजूरअलाम ने फरमाया कि मुसलमान होते हुए तो ऐसा करते हो कि छोटों में शफकत नहीं करते बड़ों की ताज़ीम नहीं, नहीं करते और बड़े फलसा मिलना सख्ती से इस बात को समझाया तो छोटों से शफकत बड़ों की ताजीम ताजीम का माना है जो बात अभी आपने की जी, जी। उनको पहले दावत देना बोलने की जब मजलिस में गुफगु होने लगे तो बड़ों को कहना कि आप इस पे बात कीजिए जब बड़े अपनी बात खत्म कर चुके हैं तो फिर किसी छोटे को मौका देना चाहिए कि तुम भी बोलो और यह अगर उम्र में जो कोई छोटा है उस मामले में उसकी कोई खास महारत है तो उसको फिर कहा जाए कि भी आप बात कीजिए की तो ये ताजीम बड़े की उसको कुर्सी देना जी। उसको आगे चलाना उसको कहना कि कमरे में दाखिल होने के लिए उसको इशारा करना उसकी तजीम है छोटे पे शफकत करना हजूर अल्लात बच्चों के साथ छोटों के साथ बड़ी शफकत फरमाया करते थे आप आदीस में आता है कि जब फल आता था जी। तो आप दुआ फरमाते थे कि अल्ला बारक ना फी मुद्दे ना और दुआ पूरी फरमा के जो सबसे छोटा बच्चा होता था फल उठा के उसको देते थे सबसे छोटे बच्चे को सबसे छोटे बच्चे ये शफकत फरमाते थे काना छोटे बच्चों को सलाम करते थे मुलाजा आपने छोटे बच्चों को सलाम करिए कौन उनकी तरबियत के लिए तरबियत के लिए जी उनको सलाम करते थे बड़ों को छोटों को सलाम कर देना चाहिए जी उनकी तरबियत भी हो जाती है बड़ों के अंदर एक तोज़ो भी पैदा होती है तोज़ो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है आदमी के अंदर तोज़ो का होना आदमी का झुका हुआ होना आदमी की गर्दन का अकड़े हुए न होना ये दीन में एक बहुत अहम चीज है सर आपने ऐसी जबरदस्त बात कह दी। अगर दिखाता है अपने तल्लु में राफा अल्लाह फिर उसको उठा जो झुकता है अल्लाह तुक अहकाम की वजह से फिर अल्लाह उसको ऊपर उठाते हैं उसके मरतबे बुलंद करते हैं बेशक बेशक तो हजूरअसला बाजूर छोटों के लिए खड़े हो जाया करते थे हजरत फातिमा के लिए जी के आदाब भी हमें सिखाइए ना थोड़े आज कल तो मैं कहता हूँ कि मैं इतना बोलूँ कि मैं गजनबी साहब को चुप करवा दू और मैं इतना बोलूँ कि मैं सबको चाहे मेरा कॉन्सेप्ट गलत है मैं अपने वो उन सोच के उन पैरों में हूँ कि जो कि सही नहीं है लेकिन मैं बोलूँ इतना तो वो गुफ्तगू के आदब मजालस में हम बहुत ज्यादा लैक करें वो भी सिखाइए हमें ये इतना ज्यादा बोलना ये सिर्फ बोलने ही से इसका ताल्लुक नहीं है ये हुजूर हजूर असलात वसलाम ने एक अमूमी कलिया में सिखाया है कि मॉड्रेशन एतदाल जी तवसुत हर मामले में एक अतदाल होना चाहिए मियाना रवि मैना रवी होनी चाहिए वो बेहतरीन चीज़ वही है ठीक है तो एक तो बोलने वाली बात यह है कि उसमें भी इस उसूल को पेश नजर रखना चाहिए कूलिन ना से हुसना हुक्म है अच्छी बात करनी चाहिए दूसरे से जब आप करें जी और बहुत ऊंची आवाज चीखना इससे मना फरमाया मना फरमाया, ठीक है वाकजुस बिन साउतिक इन्ना अनकरल हमीर सूरत लुकमान आवाज को धीमा रखो धीमा रखे ये चीखती हुई और ऊंची आवाज ये तो गधे की आवाज होती है ये जो ये आजकल का सिखाया हुआ मैनरिज्म नहीं है कि मजलिस में बैठ के चीखना नहीं है ये चौदह सौ साल पहले हमें सिखा दिया गया था कि यह बदतहजीबी है यह मैनरिज्म के खिलाफ, खिलाफ है किसी मजलिस में बैठ के चीखना ठीक बात करना इस तरह जैसे अभी आपने कहा कि बोलते चले जाना और तेजी से बोलते चले, बोलते जाना, चले जाना बात इस तरह करना कि ठहर ठहर के सुनने वाले को बात समझ आ रही हो अलग अलग लफ्ज़ समझ में आ रहे हो उसके लिए आसानी हो ठीक है ये हदीस शरीफ ही में आता है कि काना कलाम रसूल सल्लाह वसलम कलामन फसलन काना यफ हम हो कुल्लो मन व सलाम ठहर ठहर के बात किया करते थे यानी डिस्टिंक्टली हर हर लफ्ज़ जुदा बोलते थे और सुनने वाला आसानी से आपकी बात को समझता समझ समझ सकता था ठीक हजरत आयशा की एक रिवायत है कि हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह उन्होंने एक हदीस बयान करनी शुरू की और बहुत तेजी से उन्होंने बात की तो हज़रत आयशा रजी अल्लाह उनको समझाया और टोका उन्होंने कहा कि हजूरअलाम का ये तरीका नहीं था आप तो बड़े ठार ठार के, बात करते थे तो बात इस तरह करना कि अगर समझ आए ये जो समझ आने, तो समझ आने वाली बात है ना ये हुजूर अल्हलात ने गुफ्तु का जो एक तरीका समझाया है हमें और तर्ज गुफ्तु बताया है उसमें यह एक अहम चीज़ है अब यह नुकता आई गया आप हमेशा हर एक को सिख, सिखाते थे कि बात इस तरह करो दूसरे को साफ समझ आए समझ आए गोल -मोल बात ऐसे ना करो यूं भी हो सकता है जी यूं भी हो सकता है पता नहीं क्या होगा वाजे बात, करे, बात, बात करें जी हज़रत जाबिर रजी हो एक दफा दरवाजे पे आके दस्तक दी आपने पूछा तो उन्होंने बाहर से हूं हाँ कुछ ऐसी वाजे नहीं था आपने कहा तुम आप क्या कर रहे हैं आप वाजे बताइए आप कौन अपना नाम लीजिए ठीक इन थीक। सब चीजों का माना क्या है मैं अर्ज करूं और ये सब आदाब का माना क्या है वो मजलिस के हों या माशरत के हों इनका माना ये है इस्लाम ये चाहता है कि दूसरे मुसलमानों को राहत हो ये माना है ठीक जिंदगी खुशगवार हो जी किसी को रत्ती बराबर परेशानी ना हो मजलिस में चीखने से मना किया परेशान तकलीफ ना हो ठीक ये जो विस्पर करना है सरगोशी करना इससे मना किया मना किया गया सर नजवा मिन शैतान जी ये जो सरगोशी है ये शैतानी चीज है यह इसलिए है ताकि मोमिन को अफसरदा करे परेशान करे यानी आप किसी के कान में कुछ कहेंगे मलजिस में बैठे हुए दूसरे लोग समझेंगे कि शायद को हमारे खिलाफ हमारे बात कर रहे हैं या कम से कम इतना तो जरूर समझेंगे कि इस चीज के बारे में हमें इतमाद में नहीं लिया नहीं लिया गया उनको उनको रंजिश होगी रंजिश होगी ये सब कुछ जो है रंजिश ना हो तकलीफ़ ना हो परेशानी ना हो तबीयत मुकद्दर ना हो जी सारे आदाब सर दिल तो करता है कि आपसे बहुत कुछ सीखें लेकिन चूंकि वक्त की कैद रहती है तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर चाहूँगा एक नशिस्त ऐसी भी हो जो खालिस्तन सिर्फ आपसे आपकी और मेरी नश्त हो जिसमें हम सीख सकें मुझे बहुत अच्छा लगा आप तशरीफ़ लाए पैगाम टेलीविजन को सुबह वतन को बहुत अच्छा लगा आपके आने का बहुत शुक्रिया थैंक यू शुक्रिया थैंक यू वेरी मच हमारे साथ मौजूद रहे जी सैद जुनेद गजनी साहब और इनका सारी गुफ्तु का जो अहाता है उसको अगर हम करें तो जो भी आदाब है मजालस के हवाले से इनको एक एक जुमले को अगर हम कहीं ना कहीं से पकड़ के सीखना शुरू करें तो आदाब हमें समझ आने शुरू हो जाएंगे इसके साथ ही नवीद निज़ामी और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफ